जहां अरविंद केजरीवाल को जेल में गए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, वहीं केजरीवाल के बाहर निकलने के कुछ आसार बनते दिख रहे थे। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि केजरीवाल तो निकलने की जगह आरोपी साबित किए जा रहे हैं। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सूत्रों की माने तो ईडी केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाकर पेश किया जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ दायर होने जा रही चार्जशीट का समय काफी अहम माना जाएगा। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ऐसे समय पर आरोपी बनाने जा रही है जब दूसरी तरफ शुक्रवार को उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है। देश की सबसे बड़ी अदालत जल्द ही केजरीवाल पर अपना जवाब सुनाएगी और साथ ही गिरफ्तारी को भी दी गई चुनौती पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिल्कुल सही करार दिया था। 1.5 महीने बीतने के बाद भी 21 मार्च से अभी तक अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है और सूत्रों की माने तो ईडी जल्द ही केजरीवाल के साथ कुछ और लोगों को भी आरोपी बना सकती है। साथ ही ये भी खबर मिल रही है कि केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिखाया जाएगा। इस मामले में जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाता है तो जल्द ही आम आदमी पार्टी को भी इसमें घसीटा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी पार्टी प्रमुख हैं।